सुप्रभातम् सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेषां स्वागतं मम नाम पङ्कजमिश्रा अस्ति सहायक अध्यापकः संस्कृतविभागः महात्मागान्धी शिक्षणसंस्थानं दरभङ्गा अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतं पञ्चदशोऽध्यायः करण अपादान कारक इषय पाठ उपस्थित छात्रों आज की वर्ग में मैं अपादान कारक को लेकर उपस्थित हूँ सर्वप्रथम अपादान कारक का परिभाषा को जान लेते आपादान कारक किस परिस्थिति में किस वाक्य के साथ प्रयोग में लाया जाता है उसके बारे में सर्वप्रथम परिभाषा के माध्यम से जानते हैं जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग दूर होने का भाव व्यक्त होता है उस शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होता है अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसका चिन्ह से होता है जैसे छात्रा विद्यालय छात्रा विद्यालय गृह आगंती छात्र विद्यालय से घर आते हैं अब सर्वप्रथम प्रश्न ये है जो छात्र विद्यालय से घर आते हैं तो सेतुकरण का चिन्ह भी है क्योंकि कारक में हम लोग कर्ता ने कर्म को करण से ये भी चिन्ह पढ़े हैं तो करण भी हो सकता है लेकिन यहां यदि हम करण कारक का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये वाक्य निषेध वर्तक हो जाएगा अपादान कारक का प्रयोग हम उस परिस्थिति में करते हैं जहां दो चीज रहता है और एक चीज वहां से जब अलग हो जाता है उस परिस्थिति में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं अब कोई बच्चा जब विद्यालय जाता है और विद्यालय से वह पुनः अपने घर की ओर लौटता है तो विद्यालय वही का वही रहता है लेकिन वो बच्चा अपना घर पुनः लौट जाता है तो चूंकि वो जिस टाइम अपने घर को लौटता है कोई भी बच्चा तो विद्यालय से वो अलग हो जाता है तो जब अलग होता है जिस चीज से अलग होता है उस चीज में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो यहां है जो छात्रा विद्यालयात गृह आगं जो छात्र विद्यालय से घर आते हैं तो चूंकि विद्यालय को जब विद्यालय से घर आता है तो विद्यालय को छोड़कर आता है तो वो विद्यालय में अपादान कारक का प्रयोग होगा यहां पर छात्र विद्यालय से अर्थात विद्यालय से अलग दूर हो रहा है अतः विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और जब पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो विद्यालय से विद्यालयात शब्द बनेगा धन्यवाद छात्रों आज का वर्ग में यही समाप्त करता हूं अगले वर्ग में हम उदाहरण के माध्यम से अपादान कारक के बारे में विशेष रूप से पढ़ाएंगे